सो गाइस दिस इज सर्विस ओंटारियो और यहीं आना होता है पेपर ट्रांसफर के लिए। तो मैट की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी लग रही है। हाँ तो पेपर ट्रांसफर का मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। गाड़ी चला के ना मजा सा बड़ा आ रहा है कि अब मैं कनाडा में गाड़ी चला रहा हूँ। यहाँ पर सब राइट हैंड साइड पर ट्रैफिक चलता है उल्टा, मतलब थोड़ा सा अपने इंडिया से, मगर मज़ेदार आ रहा है अभी क्योंकि यार तरीके से चलता है फिर भी, मतलब जैसे मर्जी कोई नहीं आ जा सकता। राइट का मतलब लाइट है, ज़ेबरा क्रॉसिंग का मतलब ज़ेबरा क्रॉसिंग है। आई एम एंजॉयिंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज अरुण सीकरी एंड यू आर वॉचिंग अरुण सीकरी कनाडा व्लॉग्स। सो गाइस आई एम विद तविश और आज हम दोनों जन जा रहे हैं। आज हम अपने इस कार पे, आपने देख ही लिया होगा, आज हम इस कार पे जा रहे हैं इसके पेपर्स ट्रांसफर कराने, अपने नाम पे ओनरशिप ट्रांसफर कराने। तो अभी वो करवानी है, इसके लिए इंश्योरेंस हो गया, क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे होती है, नई प्लेट कैसे लेते हैं, वो सब आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं गाइज। गाड़ी चलाने में मजा तो बहुत आ रहा है बट मैं ना रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा गाड़ी चलाते हुए, बिकॉज इट्स इलीगल। सो गाइज दिस इज सर्विस ओंटारियो और यहीं आना होता है पेपर ट्रांसफर के लिए। हाँ तो पेपर ट्रांसफर का मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। सर्विस ओंटारियो में आना होता है, यहाँ पर जो एक आरसी होती है पेपर की होती है, और पेपर की आरसी के बैक साइड पे जो ओनर होता है वो आपको साइन करके देता है, आधी फाड़ के अपने पास रखता है आधी बेच देता है। और एक पुरानी गाड़ी के ऊपर एक सर्टिफाइड मतलब कह रहा हूँ सेफ्टी होनी ज़रूरी है किसी सर्टिफाइड शॉप से, वर्कशॉप से, तभी वो गाड़ी ट्रांसफ़र हो पाएगी, एल्स वो गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। सेफ्टी जो है वो ज़रूरी है और वो सब रिक्वायरमेंट होती है पेपर की। फिर यहाँ पर आओ पेपर्स लेके और फिर ये लोग एक वो कार हिस्ट्री की रिपोर्ट निकालते हैं $20 की, दैट इज़ कंपलसरी। उसमें सब बताते हैं कितने ओनर्स थे पहले, क्या था, सब कुछ था, वो सब बताएंगे, वो सब ज़रूरी है। और उसके बाद फिर इनकी एक बुक वैल्यू सेट होती है उसके अंदर कि इसकी इतनी बुक वैल्यू है। जैसे अगर समझ लो 7,000 बुक वैल्यू है, गाड़ी आपने ली 10,000 की, तो अगर चाहो आप गोलमोल करना तो आप बोल सकते हो कि मैंने तो ये 5 की ली है, बट स्टिल 7 की वो आपसे टैक्स लेंगे 7,000 का। और अगर आप बताएंगे कि नहीं मैंने पूरी 10,000 की ली है, तो ये 10,000 पे आपसे 13% टैक्स लेंगे। तो वो कंपलसरी है और हैंड टू हैंड काम हो जाता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है पेपर जमा कराओ ये होगा वो होगा, नहीं, आप बस आओ पेपर जमा कराओ, पैसे दो और हैंड टू हैंड अपने नाम की ओनरशिप की आरसी लेके जाओ। और ये मेरा भतीजा खड़ा है पीछे और अब हम चलेंगे घर। अब मैं अपनी गाड़ी का मालिक बन गया हूँ। हाँ, इंश्योरेंस करवा ली है, पेपर ट्रांसफ़र हो गए हैं, इंश्योरेंस के बिना पेपर ट्रांसफ़र होते नहीं, वो हो गए हैं, और प्लेट भी नई ले ली है। नाउ आई एम दी लीगल प्राउड ओनर ऑफ दिस ब्यूटी। गाइस आई हैव टू शो यू समथिंग। मैंने इसके लिए ना मैट्स ऑर्डर किए थे, यहाँ मैट का बड़ा चक्कर होता है। मैट ना यहाँ पर ऑल सीजन टाइप लेने पड़ते हैं ताकि ना ख़राब ना हो। अपने ने क्या ना गाड़ी के अंदर मैट साथ आए थे, तो ये कारपेट वाले मैट हैं, ये तो बहुत ही गंदे हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर स्नो वगैरह पड़ती रहती है, फिर पैरों पर लगी होती है। और ये आगे के रबड़ के आए थे नीचे इसमें, वो भी हैं बट वो स्टिल बहुत गंदे से लग रहे थे। सो आई हैव बॉट दीज मैट्स, तो मैं आपको ये मैट दिखाता हूँ। ऑल सीजन मैट हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं यहाँ पे, दे हैव जस्ट अराइव्ड, तो चलिए आपको दिखाता हूँ। सो गाइस दिस इज़ द बॉक्स, ये अभी आया है, तो मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ ये कैसे हैं। ये थोड़े से यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पर ना एक्चुअली इंडिया वाला सिस्टम नहीं है कि जैसे एक्सेसरी की बहुत सारी शॉप्स हैं, मिलता सब है बट सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है, फिर पैसे बचाने हैं तो थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आई बॉट दीज ऑनलाइन, ये ईबे से लिए मैंने, ये टर्की से शिप हुए हैं। ओहो, अरे काफ़ी बढ़िया से पैक करके भेजे हैं भाई ने, तो 2 दिन में ये आ भी गए। गाइस मेरे से तो निकले भी नहीं है, तभी निकाले अंदर ने, ये हमारा सुपर हीरो है। तो मैट की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। मैं आपको एक बारी बिछा के दिखाता हूँ कि गाड़ी में कैसे लुक आ रही है, फिर आप लोग बताना कमेंट करके कैसे लगे। दीज मैट्स केम मोल्डेड, ये थोड़े से ना जैसे अंदर जैसे फुट रेस्ट है उसके लिए जगह है प्रॉपर, और ये क्लिप करने के लिए जगह है, तो अपनी जगह से हटेंगे नहीं और अच्छे से काम करेंगे। क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज़ वेरी गुड, हाथ लगा के बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब इसको बिछा के आपको दिखाता हूँ। सो गाइज आई एम हेयर, मार्शल आर्ट्स मेरा भतीजा जाता है यहाँ पे, मैं अपनी गाड़ी भी आ गया, तो मेरा भी नया नया लाइसेंस आया, मुझे भी शौक है कि चलो चला ही जाए, तो मुझे मैंने कहा चल तेरे को मैं ही छोड़ के आता हूँ, तो बस यहीं आए थे। नाउ आई हैव फुल जी लाइसेंस टू ड्राइव कार एनी वेयर इन कैनेडा एंड USA, एंड आई हैव अ कार रजिस्टर्ड ऑन माई नेम, एंड आई हैव इंश्योरेंस, फुल इंश्योरेंस
ऑन माय नेम। इंश्योरेंस थोड़ी महंगी है, तकरीबन $350 पर मंथ है। इंश्योरेंस महंगी है बस, वैसे भी मेरा लाइसेंस नया है। कुछ यहाँ पर ना मैटर करता है चीज़ों के ऊपर, गाड़ी कितनी पुरानी है, एरिया कैसा है। ब्रैम्पटन में थोड़ी सी महंगी है, और आपका लाइसेंस कितना पुराना है, और ये सब चीज़ों पे मैटर करता है। जैसे किसी का लाइसेंस 2-3 साल पुराना हो और कोई एक्सीडेंट्स वगैरह कुछ नहीं है, तो उसकी इंश्योरेंस 225-230 तक आ जाएगी। मतलब जितना पुराना लाइसेंस और जितनी गाड़ी के हिसाब से चेंज होती रहती है। बाकी स्टिल मेरे को तो महंगी पड़ रही है, तकरीबन 350 के आसपास जाएगी। वो हुई है इंश्योरेंस, सब कुछ ट्रस्ट बेस पे चलता है। इवन पेट्रोल भरवाना हो तो वो भी ट्रस्ट बेस पे चल जाता है फिलहाल। जैसे कि अगर आप पेट्रोल भरवाने जाएंगे तो आप पहले पेट्रोल भर लीजिए जितना भी भरना है, फिर अपने कार्ड से पे कर दीजिए, मतलब पेट्रोल भरने के बाद। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा, या इवन आई थिंक आपके पास समझ लो कार्ड नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि पेट्रोल भरिए, जितना भी पेट्रोल भरा है आपने, अंदर जाके उसके ऑफिस में बता दीजिए कि आपने इस पेट्रोल पंप के इस नंबर से आपने इतना पेट्रोल भरा है, तो वो उतना पेमेंट आप वहाँ कर दीजिए। तो इट्स मतलब अभी ट्रस्ट बेस बहुत चलता है यहाँ फिलहाल। US में इवन नहीं चलता। मैंने US में जब गाड़ी चलाई थी वो कार्ड से, मतलब पहले पंच करना पड़ता है कार्ड, वहाँ फुल सिस्टम वाला टैंक का होता नहीं, क्योंकि अगर आपने $40 पंच किया तो $40 का पेट्रोल आना है। तो मेरा कार्ड चलता नहीं था क्योंकि इंटरनेशनल कार्ड वो नहीं लेते थे पेट्रोल पंप पे। तो मुझे क्या करना पड़ता था, अंदर जाके पहले पेमेंट करके आनी पड़ती थी, जो इनका ऑफिस बना होता है पेट्रोल पंप पे, हर पेट्रोल पंप पे होता है। वहाँ जाओ, पेट्रोल का बूथ नंबर बताओ कि इस नंबर से मेरे को इतने का पेट्रोल भराना है, $30, $20, $40, whatever, वो पहले पेमेंट लेगा, रसीद देगा, फिर जाके आप भर सकते हैं। US में इतना ट्रस्ट अभी नहीं चलता क्योंकि US में होते रहती है चीज़ें। यहाँ पर भी जब हो जाएंगी शुरू ये चीज़ें होनी, तो यहाँ भी बंद हो जाएगा, बाकी फिलहाल तो चल रहा है। इवन आप मानो कि मैंने इंश्योरेंस के लिए बोला तो भाई ने इंश्योरेंस करके मुझे भेज दी। आई हैव नॉट पेड अ सिंगल पेनी टिल येट, पर इंश्योरेंस करके उन्होंने भेज दी। और मतलब ट्रस्ट चलता है यहाँ पे, बाकी ठीक है। ट्रस्ट को बना के रखना भी अपने हाथ में होता है, तो थोड़ा सा हम तो कोशिश करेंगे बना के रखने की, बाकी अभी तक सब लोग रख ही रहे हैं तभी ऐसा चल रहा है। हाँ, बाकी अब मैं यहाँ आया था तो मैंने सोचा आपको मैट भी बिछा के दिखाऊँ कैसे लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर घर पर गए थे चाय वाय पी, मैट बिछाते बिछाते फिर मेरे को लगा चलो भतीजा कहने लगा कि क्लास में जाना है, तो भाई इसको जा रहा था छोड़ने, मैं कहा नहीं मैं छोड़ के आता हूँ, क्योंकि अभी शौक चढ़ रहा है ना गाड़ी चलाने का, काम तो है नहीं, मैं चलो मैं छोड़ के आता हूँ। तो फिर मैं इसको छोड़ने आया था भतीजे को, तो मैं यहीं रुक गया बाहर, उसकी आधे घंटे की क्लास है, तो बस मैट वैट बिछाते हैं, आप लोग से कुछ बातें करते हैं, चलिए बने रहें। सो गाइस, दीज आर दी मैट्स। आप एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे हैं। ये पूरे जैसे पूरा कवर कर लिए, 4 पीसीज हैं, ये बीच वाला जो मैट है ये उसके साथ ही अटैच्ड है, बाकी फुल कवरेज है, मोल्डेड है। थोड़ा सा इस साइड से भी लुक दे देता हूँ, ये इस टाइप के लग रहे हैं, फुल कवरेज है, मोल्डेड है। स्नो वगैरह में काफ़ी काम आएंगे, स्नो में क्या होता है ना कि जब पैर बर्फ़ से भरे हो तो बंदा यहाँ रखता है तो उसके बाद टपकती है स्नो, तो गाड़ी काफ़ी गंदी होती है, तो इसलिए यहाँ पर रबर के मैट ही चलते हैं। जैसे ये हैं कारपेट वारपेट वाले टाइप के, यहाँ चल नहीं पाते बिकॉज ऐसा वेदर नहीं है। बस ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, कुछ स्मेल ना करे, कुछ ना करे, दीज आर ऑफ गुड क्वालिटी। और ये आ गए हैं तो बस ये लगाए थे, तो बस यही है कि बस अब लाइसेंस मिल गया, गाड़ी चलानी शुरू हो गई है, अपने नाम पे ट्रांसफ़र हो गई, इंश्योरेंस भी होगी। नाउ आई एम लीगल ओनर ऑफ द कार एंड आई एम लीगली ओके टू ड्राइव द कार, तो अब मैं गाड़ी चलाऊंगा। और हाँ, मेरे को अपने घर से अपना GoPro मंगाना पड़ेगा, बिकॉज चलती गाड़ी के अंदर फ़ोन से या कैमरे से तो शूट नहीं किया जा सकता वीडियो, तो GoPro मंगाते हैं घर से, कोई आ रहा हो तो उसके हाथ। उसने क्या है ना कि GoPro लगा के जैसे मैं हेड माउंट कर लूँगा या सामने शीशे पे माउंट कर लूँगा तो आपको भी अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाऊँगा, गाड़ी पे नहीं तो बाइक पे घूमेंगे, सनरूफ है सनरूफ में माउंट कर दूँगा, मतलब कोशिश करूँगा अच्छे अच्छे व्यू दिखाने के आपको। हाँ, बस यही है, अब मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग पे, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अब अच्छे अच्छे ब्लॉग तो आपको दिखाने की कोशिश करता रहूँगा, कनाडा घुमाने की कोशिश करता रहूँगा आप लोग को। चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग पे, लव यू गाइज, बाय बाय।